हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रेसिपी है क्रिसमस केक। आप इसे फ्रूट केक या प्लम केक भी बोल सकते हैं। ट्रेडिशनली ड्राई फ्रूट्स को सोक किया जाता है अल्कोहल में, बट इसमें हम ऑरेंज जूस का यूज करेंगे। इसको एक हेल्दी वर्जन देने के लिए मैंने इसमें मैदी की जगह आटा, शक्कर की जगह गुड़ यूज करा है, और ये एक एगलेस केक है फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, कैंडिड फ्रूट्स एंड मिक्स स्पाइसेस। तो देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए चाहिए हमें एक कप गुड़, जैगरी, मिक्स स्पाइसेस, क्योंकि क्रिसमस केक में स्पाइसेस का ही फ्लेवर आता है, ऑरेंज जेस्ट, इसमें संतरे के छिलके को ग्रेट कर लिया है, वनीला एसेंस, नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वेजिटेबल ऑयल और दही, 2 कप गेहूं का आटा। ड्राई फ्रूट्स में हम लेंगे काजू, अंजीर, टूटी फ्रूटी, किशमिश, बादाम। कैंडिड फ्रूट्स में हम लेंगे कीवी, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, ब्लैक करेंट, ड्राई मैंगो। आप चाहें तो आपके फेवरेट कैंडिड फ्रूट आप डाल सकते हैं, जैसे एप्रिकॉट, पाइनएप्पल। 3/4 कप ऑरेंज जूस लिया है मैंने। सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से चॉप कर लिया है। अब लेंगे एक बोल, उसमें डालेंगे अंजीर और सारे कैंडिड फ्रूट्स। अब डालेंगे इसमें ऑरेंज जूस। और आधे घंटे के लिए इसे ढककर हम रख देंगे। इससे सारे फ्रूट्स अच्छे से फूल जाएंगे और वो एब्जॉर्ब कर लेंगे ऑरेंज जूस। बाकी बचे हुए ड्राई फ्रूट जैसे टूटी फ्रूटी, काजू, बादाम, किशमिश, इन्हें हम 1 चम्मच आटा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे होगा ये, जब हम केक को बेक करेंगे, ड्राई फ्रूट्स केक में नीचे सिंक नहीं होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है, इसे स्किप ना करें। अब लेंगे हम मिक्सर ग्राइंडर, इसमें डालेंगे दही, वेजिटेबल ऑयल, गुड़, जैगरी और 1/2 कप दूध, और अच्छे से क्रीमी पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। 1/2 घंटा हो चुका है, सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से सोख हो चुके हैं। अब लेंगे हम एक बोल, उसमें डालेंगे कैंडिड फ्रूट जो हमने सोक करे हुए थे ऑरेंज जूस में, और ये हमारा क्रीमी पेस्ट जो हमने तैयार किया है गुड़, दही और तेल से। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। आप चाहें तो बीटर भी यूज कर सकते हैं मिक्सर ग्राइंडर की जगह। इसमें डालेंगे ऑरेंज जेस्ट और मिक्स स्पाइसेस पाउडर, इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, वनीला एसेंस, और अच्छे से मिक्स करें। अब लेंगे हम छन्नी और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को तो हम छान लेंगे। ये डाला मैंने आटा, नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और अच्छे से छान लेंगे। केक बनाते समय ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत जरूरी है, इससे एरिएशन होता है और केक अच्छे से फूलता है, तो इसको भी स्किप ना करें। अब अच्छे से सारी इंग्रेडिएंट्स को मिला लें। अब डालेंगे इसमें 1/2 कप दूध। बैटर को हमें थिक रखना है, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। अच्छे से मिक्स कर ले। अब डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स जिसे हमने आटे से कोट कर लिया था।
केक का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम केक मोल्ड को रेडी करेंगे। इसमें डालेंगे तेल और अच्छे से ग्रीस करेंगे तेल से। एक चम्मच आटा, इसको भी अच्छे से फैला लेंगे मोल्ड में। आप चाहे तो कोई भी शेप का मोल्ड ले सकते हैं, मैंने स्क्वायर लिया है। अब डालेंगे इसमें बैटर, अच्छे से लेवल करेंगे। कढ़ाई को प्रीहीट करेंगे, इसके लिए मैंने एक कढ़ाई, उसमें डाला है स्टैंड और उससे ढक्कन लगा के हम 10 मिनट तक प्रीहीट करेंगे। हीट होने के बाद उसमें डालेंगे केक टिन और 25 से 30 मिनट के लिए हम केक को बेक करेंगे। केक रेडी हो चुका है, एक बार उसे चेक कर लें। ठंडा होने के बाद उसे डीमोल्ड कर लें। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। यमी क्रिसमस केक बनके तैयार है। बहुत ही आसान रेसिपी है, एक बार इसे जरूर ट्राई करें। केक बहुत ही स्पंजी बना है। क्रिसमस केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं, स्पाइसेस के और ड्राई फ्रूट्स के, कैंडिड फ्रूट्स के। आप देख सकते हैं कितना स्पंजी बना है ये केक। आपको ये हेल्दी क्रिसमस केक की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग अमेजिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।